अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, उससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। साबूदाना की मज़ेदार खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप साबूदाना लिया है। इसे मैंने पानी से दो तीन बार धो के और रात भर पानी में भिगो के रखा था। जितना हम साबूदाना लेंगे उसके थोड़ा सा ऊपर पानी रखें, उसके बाद सुबह देखेंगे कि पानी इसमें अब्सॉर्ब हो गया है। फिर हम क्या करेंगे, इसे ऐसे स्ट्रेनर में डाल देंगे और स्ट्रेनर में डालने के बाद हम इसे एक घंटे के लिए और छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, साबूदाना जो है वो थोड़े से फूल जाएंगे और जो एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे से निकल जाएगा। तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे और एक घंटा बाद चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। एक घंटे बाद हम देखेंगे कि साबूदाना यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखिए। तब हम इसे अलग रख देंगे और नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या करेंगे कि गैस पे एक पैन गरम करेंगे और पैन में हम मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे कच्चा मूंगफली यूज़ किया है, आप चाहे तो अगर रोस्टेड यूज़ करें तो ये वाला प्रोसेस स्किप कर दें। तो मूंगफली को हमें मीडियम फ्लेम पर तब तक रोस्ट करना है जब तक कि ये थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाए या फिर अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो यहाँ पे मूंगफली को हमने रोस्ट कर लिया है, अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें। जैसे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा हम इसका छिलका निकाल लेंगे। तो ऐसे रब करके इसके छिलके को निकाल लें और इसे हम थोड़ा सा झटक देंगे। तो यहाँ पे मूंगफली हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसे क्रश कर लेंगे। तो ये ब्लेंडिंग जार लिया है मैंने। मूंगफली का पाउडर हमें नहीं बनाना है, उसे दरदरा पीसना है, मतलब आधा मूंगफली थोड़ा साबुत होना चाहिए और आधा पाउडर होना चाहिए। तो मिक्सर में हम क्या करेंगे कि इसे चलाएंगे और बंद करेंगे। बहुत ही फास्ट ये प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मूंगफली का टेक्सचर हमें कैसा चाहिए, ये देखिए। अब इस मूंगफली को हम इस साबुदाना में मिला देंगे। तो इसे मैं ऐसे प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसके बाद ये जो मूंगफली का पाउडर है उसे हम अच्छी तरह मिला देंगे। इससे क्या होगा, मूंगफली के दाने जो है वो सारे अलग अलग हो जाएंगे। मैंने जितना पाउडर बनाया है मूंगफली का वो पूरा नहीं यूज किया यहाँ पे। तो ये हमारा साबुदाना जो है वो रेडी हो गया है पकने के लिए। तब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस ऑन करके मैंने सेम पैन गरम किया है, पैन के गरम होते ही घी डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे दो बड़े चम्मच घी यूज़ कर रही हूँ। घी के गरम होते ही हम इसमें जीरा डाल देंगे। अगर आप जीरा नहीं खाते हैं तो जीरा नहीं यूज़ करें व्रत में। जीरा को हम थोड़ा सा पका लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें काट के रखी हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, हरी मिर्च, एक आलू, थोड़ा सा गाजर, टमाटर, करी पत्ता और यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ता। अगर आप टमाटर नहीं खाते हैं तो टमाटर के बिना इसे बनाएं। अब हम क्या करेंगे कि पहले आलू डाल देंगे और आलू को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे उबले हुए आलू नहीं लिए हैं तो इसे फ्राई करने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखें। जैसे ही आलू थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा हम इसमें गाजर, हरी मिर्च और करी पत्ता डाल देंगे। हरी मिर्च और करी पत्ता आप जीरा के साथ डाल सकते हैं। करी पत्ता गर्म तेल में डालने से तेल के छींटे आते हैं, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बाद में डालें। मिला दें इसे। मैं इसमें थोड़ा सा मूंगफली यहाँ पे साबुत ऐड कर रही हूँ, इससे ये दिखने में अच्छा लगेगा, लेकिन ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पे जब तक आलू वगैरह फ्राई होगा तब तक ये मूंगफली भी इसमें पक जाएंगे। अब हम इन सबको मिला के एक मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। तो इसे छोड़ दें। एक मिनट बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे मूंगफली, आलू, जितना हमने यूज़ किया सब फ्राई हो चुके हैं। तब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, फिर हम इसमें सेंधा नमक डाल देंगे। टमाटर इसमें ऑप्शनल है, अगर आप व्रत में इसमें से कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं तो उसे स्किप कर सकते हैं। अब हम इसे ढक के दो मिनट तक पकाएंगे ताकि टमाटर जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। दो मिनट बाद यहाँ पे पैन का ढक्कन हटाया मैंने, मिला दें इसे। तो यहाँ पे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं, आलू भी पक गया है। तब हम क्या करेंगे, ये साबूदाना जो हमने मूँगफली मिला के रखा है ये डाल देंगे। आप इसमें थोड़ा सा चीनी भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका स्वाद अच्छा आता है। लास्ट में हम इसमें एक छोटा चम्मच नींबू का रस डाल देंगे और इसके बाद मीडियम फ्लेम पे हम इसे मिला देंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो साबूदाना जो है बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा। इसे हम दो मिनट के लिए पका लेंगे या फिर तब तक पकाएं जब तक कि साबूदाना जो है वो ट्रांसपेरेंट ना दिखने लगे। तो यहाँ पे ये पक गया है, गैस को बंद कर दें और लास्ट में इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे धनिया पत्ता डाल देंगे। ये वाला साबूदाना खिचड़ी जो है वो खिला खिला नहीं बनता है क्योंकि हमने इसमें टमाटर यूज़ किया है। अगर आपको एकदम खिले खिले साबूदाना चाहिए तो आप टमाटर को स्किप करें और घी का इस्तेमाल कम करें। तो यहाँ पे हमारी खिचड़ी जो है वो रेडी हो गई है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो सर्व करने के लिए आप इसे एक सर्विंग प्लेट या बोल में निकाल लें। ये साबूदाना बहुत ही टेस्टी लगता है, तीखा, चटपटा, बहुत सारे फ्लेवर इसमें आते हैं। तो आप इस साबूदाना की रेसिपी को व्रत में जरूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।